आज हम देखते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो एक डिजीज़ कंडीशन होती है, ये पड़ता है किडनी डिसऑर्डर के अंदर। किडनी से रिलेटेड जो कंडीशन है उसके अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम पढ़ते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें तो इस वर्ड के अंदर, इस वर्ड का डिवाइडेशन, इसका मीन निकालते हैं, तो यहाँ पे आइटिस वर्ड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन है। आइटिस का मीन निकलता है इन्फ्लामेशन। नेफ्राइटिस, नेफ की बात करें तो नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलो मतलब मीन क्या निकलेगा, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। तो डेफिनेशन क्या निकल के आएगी, डेफिनेशन की बात करें तो इन्फ्लामेशन किसके अंदर हो रहा है, नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस वाला जो पोर्शन होता है, ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। किसकी वजह से, इम्यून सिस्टम चेंज की वजह से, इम्यून रेस्पॉन्स अल्टर्ड होगा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब सबसे पहले इसकी एनाटॉमी की बात करें कि ग्लोमेरुलस कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस की लोकेशन क्या होती है, कि जैसे कि किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन के अंदर आप लोग, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, ठीक है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है, तो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट कौन सा रहेगा, यहाँ पे जो कि GFR वगैरह, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इसके अंदर देखते हैं, तो GFR वाले, अब जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है, इस पोर्शन के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशन, डिजीज कंडीशन कहलाएगी। तो ये हो गया कि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस पोर्शन ड्यू टू, किसकी वजह से, चेंजेस ऑफ इम्यून सिस्टम या डिक्रीज इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब बात करते हैं इटियोलॉजी, इटियोलॉजी क्या या कॉजेज क्या होंगे जिसकी वजह से कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाली कंडीशन डेवलप हुई है। अब इटियोलॉजी की बात करें तो कुछ कॉजेज होते हैं कि जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अकर हो सकता है। कॉजेज की बात करें तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर कॉजेज की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा, एक तो होता है एक्जोजीनस और एक होता है एंडोजीनस, ठीक है, एक्जोजीनस और एंडोजीनस के कॉजेज होते हैं। इसके अंदर देखें, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फेक्शन कौन सा हो सकता है, स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। बात करें माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर न्यूमोकोकाई की वजह से भी क्या हो सकता है, वहाँ पे न्यूमोकोकाई की वजह से भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अकर हो सकता है। तो ये हो गई इसकी इटियोलॉजी। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसके क्या क्या सिम्टम्स अकर होंगे। तो सिम्टम्स की बात करें तो फीवर हो गया, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसका साइन सिम्टम्स देखेंगे तो वो क्या आएगा, फीवर आएगा। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर फीवर के बाद में जो साइन एंड सिम्टम्स आएगा होगा हेडेक हो गया, चिल्स वाली कंडीशन हो गई। नेक्स्ट नोजिया एंड वोमिटिंग, हाइपरटेंशन वाली कंडीशन देख सकते हैं, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। और बात करें इसके अंदर हिमेचूरिया वाली कंडीशन हो गई, या ओलिगोयूरिया वाली कंडीशन रहेगी। ये सिम्टम्स आएंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर ये सिम्टम्स मेजर होंगे कि आपके पास जो पेशेंट रहेगा उसके अंदर ये सिम्टम्स आप लोग मेजर करोगे। अब बात करते हैं इसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी, कैसे डिजीज़ अकर हो रही है,
ड्यू टू इटोलॉजिकल कोजेज, कोजेज क्या है, स्टेप्टाइलोकोकस हो गया, माइकोबैक्टीरियम कोकाई, माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन हो गया, न्यूमोकोकाई हो गया, तो अब उसकी वजह से क्या होगा कि वो कोजेज क्या करता है बॉडी के अंदर से एंटीजन, यदि कोजेज क्या करेगा इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी ग्लोमेरुलस वाले पार्ट के अंदर, क्योंकि ग्लोमेरुलस वाले पार्ट के अंदर क्या हो रहा है इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा इन्फ्लामेटरी डैमेज होगा और डिले होगा, क्योंकि जो ग्लोमेरुलर फंक्शंस क्या हो जाएंगे वहाँ पे डिले हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, किसकी वजह से इम्यून सिस्टम, क्योंकि जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है, क्योंकि इसके अंदर इम्यून सिस्टम डिक्रीज होता है, इम्यून सिस्टम अल्टर्ड होगा, चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, जिसकी वजह से क्या होगा ग्लोमेरुलर जो मेम्ब्रेन कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी, और ग्लोमेरुलर जो मेम्ब्रेन कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगी तो उसकी वजह से फंक्शंस भी क्या हो जाएंगे डिले हो जाएंगे, वही सिम्टम्स आप लोगों के पास वहाँ पर मेजर होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, डायग्नोस्टिक स्टडीज़ क्या करेंगे जिससे डिटेक्ट कर सकें, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करके कैसे उस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, कैसे उस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन एनालिसिस हो गया, हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। देन बात करते हैं इसके अंदर इसके मैनेजमेंट की, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद में बात करेंगे मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्या होगा। अब इन्फ्लामेशन होगा तो इन्फ्लामेशन के लिए एंटीबायोटिक्स अप्लाई करते हैं, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स देंगे, उसके बाद में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे, नोजिया वोमिटिंग के लिए यदि वोमिटिंग वाली कंडीशन रहेगी तो इमेटिक एंटी इमेटिक ड्रग्स अप्लाई करेंगे। तो ये था अपने पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में। थैंक्स।